हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सास बहू सिंधी तड़का। जय झूलेलाल। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर मेकिंग वाइट सॉस पास्ता फॉर एवरीवन। सो यस, टुडे इज़ अ स्पेशल ओकेजन। मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे है, सो ये उनकी फेवरेट रेसिपी है, फेवरेट डिश है। सो यस, वी आर मेकिंग वाइट सॉस पास्ता। तो ये पैकेट मैंने ऑलरेडी बॉइल्ड कर लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के। ये लिया है मैंने ब्लैक पेपर, ये मेरा ब्लैक पेपर है। दिस इज़ हजीनोमोटो। हजीनोमोटो इज़ लाइक चाइनीज सॉल्ट। ये मैंने कुछ चीज़ क्यूब्स ले लिए हैं। दिस इज़ मैदा, मलाई। वेजिटेबल्स में मैंने कैरेट, अनियन, गार्लिक, कैप्सिकम। दिस इज़ पास्ता मसाला, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर। सो दैट्स इट। एंड ये कुछ सीजनिंग्स हैं। ये हमारा ऑयल पैन मैंने ऑन कर लिया है। सी, वी नीड बॉइल्ड मिल्क फॉर दिस। सो मैंने अपना मिल्क ऑलरेडी बॉइल्ड कर लिया है, हमें बॉइल्ड मिल्क चाहिए गरम। सो अब पैन ऑन करेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। अब हमने इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। ऐड ऑयल हमें चाहिए 1-2 टेबलस्पून। सो अब हम अपने ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपनी वेजीज। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम ऐड करेंगे अपने अनियन, चॉप्ड अनियन जो मैंने लिए हैं 2-3 बड़े अनियन। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं सौते करेंगे फ्रेंड्स, हल्का सा। आप देख सकते हैं। के बाद हम अपने बाकी की वेजीज भी ऐड कर लेंगे, पर फर्स्ट हम इसे सौते करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारे वेजीज, ये अनियन सौते हो गए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी अपनी चॉप्ड कैरेट। आप देख सकते हैं मैंने सब सारे वेजीज कितने फाइनली चॉप्ड करे हैं, तभी आपका टेस्ट आएगा। अब मैंने ऐड कर दिए अपने कैप्सिकम। अच्छे से इसे भी सौते करेंगे, अच्छे से इन्हें भी अब सौते करेंगे, अपने वेजीज को मिक्स करेंगे। आप ज़्यादा, आपको कुछ भी नहीं पकाना है, क्योंकि चाइनीज में आपको इतना पकाना नहीं होता है। हल्का सा इसे सौते करेंगे फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी सारी वेजीज सौते हो गई हैं। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, चाइनीज में कभी भी ज़्यादा नहीं पकाते हैं। नाउ आई एम एडिंग गार्लिक जो मैंने चॉप कर लिए थे, 5-6 कली। इसको भी हमने फाइनली चॉप कर लिया था, अब इसको भी इसके साथ पकाएंगे। That's it. So friends, अब हमारे गार्लिक भी इसके साथ अच्छे से सौते हो गए हैं। ज़्यादा नहीं पकाना है, गार्लिक को बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना है। अब मैं ऐड करूँगी इसमें 1.5 चम्मच मैदा, ये मेरा फर्स्ट चम्मच, ये मेरा हाफ, हल्का सा और। आप अपने अंदाजे से 1-2 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो कर दें और इसे अच्छे से मिक्स करें। लम्स बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। आप देख सकते हैं मैदा अच्छे से इसके साथ मिक्स हो गया है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना बॉइल्ड मिल्क। हम इसमें ऐड करेंगे अपना बॉइल्ड मिल्क, गर्म है, आप बिल्कुल ध्यान से ऐड करें। मैंने फुल 1 ग्लास डाला है। और हमारा जो पास्ता है वो रखे रखे भी गाढ़ा होता है, तो हम बाकी क्या दूध इसमें डालेंगे बाद में। सो फ्रेंड्स, अब हमने अपना मिल्क ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो बाकी का मिल्क है हम बाद में ऐड करेंगे, अगर हमारा पास्ता थिक हो जाएगा। देन अब हम डालेंगे अपने सीजनिंग। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। आप फ्लेम को लो कर दें बिल्कुल। नाउ आई एम एडिंग ओरिगानो। ये मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी खाते हैं, इसलिए आई एम एडिंग मोर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपनी ब्लैक पेपर। दो चम्मच अच्छे से स्टर करूंगी। नाउ आई एम एडिंग हजीनोमोटो। ये मैंने डाला 1 चम्मच, 2 चम्मच। फ्रेंड्स, अब मैंने अपने सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मलाई। सो मलाई फ्रेंड्स मैंने 1 बोल ली है, मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगी, थोड़ी बाद में डालूंगी। थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी रखे रखे, तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी है। अब मैं इसमें अपने डालूंगी चीज़ क्यूब्स।
सो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फुल 2 चीज़ क्यूब्स, और एक चीज़ क्यूब मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी बाद में। मैं इनको पीसेस में छोटा छोटा कट करके ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। दैट्स इट, मलाई इसमें हमने ऐड कर दिया, अपने चीज़ क्यूब्स इसमें हमने ऐड कर दिए हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। नाउ आई एम एडिंग रेड चिली पाउडर। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम एडिंग पास्ता मसाला, जो मैं बहुत हल्का सा डालूंगी क्योंकि बाकी मसाले मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर दिए हैं। दैट्स इट, अच्छे से इसको स्टर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना बॉइल्ड पास्ता। सो मैंने बॉइल्ड पास्ता लिया है 1 पैकेट, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं फ्रेंड्स, 5 to 6 मेंबर्स के लिए। आप अपने हिसाब से डालें, आपको जितना पास्ता बनाना हो उस हिसाब से। मैंने आपको जो क्वांटिटी बताई है वो 5 to 6 मेंबर्स के अकॉर्डिंग बताइए। अच्छे से इसको स्टर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारा ये बन गया है पपाया चॉप्स पास्ता। मैंने इसमें थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसे हम गरम गरम गार्निश करेंगे। अगर आपको इसकी थिकनेस ज़्यादा लगती है, आप इसमें मलाई ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे, दूध और ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। जैसे अभी हम खाते हैं, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, कितना क्रीमी लग रहा है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम सर्व करेंगे गरम गरम। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना टेस्टी लग रहा है, कितना क्रीमी लग रहा है। दैट्स इट। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे विथ सम ओरिगैनो, सम चिली फ्लेक्स, विथ सम ब्लैक पेपर फ्रेंड्स, और मैं इसमें अब ऐड करूंगी चीज। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा पास्ता रेडी है विथ सम कोक, और बहुत डिलीशियस। आप देख सकते हैं कितना चीज़ी है, कितना कितना क्रीमी है और कितना यम लग रहा है। सो इट्स टाइम फॉर रिव्यू। सो आज मैं आपको अपने पति से रिव्यू करवाऊंगी। यस, सो क्या कर रहे हो? पास्ता खा रहा। खा के बताओ जल्दी कैसा बना है, दिखने में कैसा लग रहा है? लाजवाब। टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है? यम। ब्रिलियंट। यम यम यम। अच्छा लगा। तो आप क्या बोलोगे मेरे फ्रेंड्स को? हेलो तो बोल दो। और यस, सो फ्रेंड्स, अब आप बोल दो मेरे फ्रेंड्स को कि वीडियो को लाइक करें और इस रेसिपी को जरूर बनाएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जैसा yes. आपको लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, प्लीज शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज अपना रिव्यू जरूर दें। यस, थैंक यू, बाय बाय।